जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में गुपकार ग्रुप का दबदबा कायम। 280 सीटों पर हुए जिला विकास परिषद के इलेक्शन, 74 सीट जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। 26 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर तंज, नहीं काम आया प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार, जनता ने किया बड़ा फैसला। दिल्ली में किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी। 11 लोगों के खेमे में चल रहा विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार ने की है बातचीत से समाधान निकालने की पेशकश। ठंडी में मांग पर डटे हैं देश भर के किसान। पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के निवेशकों का आरबीआई के खिलाफ मोर्चा। बैंक को 3 महीने की मुद्दत देने पर भड़के खाता धारक, जल्द भुगतान कराने की दोहराई मांग। दिवालिया हो गया है पीएमसी बैंक। वाहेगुरु जी की फतेह। हम लोग ड्रीम मॉल्स में खड़े हैं। गुरु सेना एक लाठी की तरह, डांग की तरह, ये जो बुजुर्गों के काम भी आती है और नौजवानों के भी काम आती है। दुश्मनों के काम तो हमेशा आती ही आती है। तो ये हमारी चेतावनी, जिसने पीएमसी बैंक का घोटाला किया है और जो जिसने रिसेंटली अभी पीएमसी बैंक में बताया, जहां 5,000-6,000 करोड़ देने हैं और उसने बोला है कि 500 करोड़ देने की बात की है, उसको चेतावनी है कि इतिहास जाके देख ले सिखों का। या तो पैसे की बात है तो पैसा पूरा करें, आगे आए। हम तो चाहते हैं आप रिहा हो, वो कैसे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। पैसे लिए, पैसे भरो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अरुण जेटली का पुतला लगाने की घोषणा पर बवाल। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने उठाया सवाल, बोले पहले मेरा नाम स्टैंड से हटाओ फिर जेटली की मूर्ति लगाओ। डीडीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं अरुण जेटली। ब्रिटेन के सूचना प्रसारण प्राधिकरण ने अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत को लगाई 20 लाख की पेनाल्टी। ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी का आरोप, 6 सितंबर 2019 के वर्ल्ड व्यूज कार्यक्रम में इस्तेमाल की गई ऑफेंसिव और हेट स्पीच। ट्विटर पर जमकर ट्रोल हुए अर्नब गोस्वामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की किसान आंदोलन खत्म करने की अपील, बोले मोदी सरकार किसानों के लिए संवेदनशील। 25 दिनों से जारी है दिल्ली में किसानों का आंदोलन, देश भर में चल रहा कृषि कानूनों का विरोध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ महिला से रेप का मामला, मुंबई की मॉडल ने दर्ज कराया है केस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, बीजेपी ने बोला हमला, कैसे मिलेगा न्याय। पीएम मोदी की मुंहबोली बहन बलूचिस्तानी बिजनेस वुमन करीमा बलोच की हत्या। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्वीट कर जताया गर्व, कहा दुश्मनों की गुलामी बर्दाश्त नहीं। निशाने पर हैं कई और शख्सियत। पत्रकार तारिक फतेह ने पोस्ट किया मीर मोहम्मद अली खान का ट्वीट, लिस्ट में तारिक फतेह और बुखारी का भी नाम। कोरोना वैक्सीन के लिए नवम्बई मनपा ने पूरी की तैयारी। पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने की है गरीबों को पहले मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की मांग। नवम्बई में हर दिन मिल रहे हैं सैकड़ों कोरोना के मरीज। नवम्बई में ठंड के साथ प्रदूषण की बड़ी मार। तुर्बे, पावने, राबाले, शिवाजी नगर, घनसौली समेत कई इलाके प्रभावित। पनवेल क्षेत्र के तलौजा और खारगर में जहरीली हवाओं का जोर। वातावरण संस्था की रिपोर्ट में दावा, दम घोटू बन रहा वातावरण। नवम्बई के वासी खाड़ी पर प्रस्तावित चौथे क्रीक ब्रिज को लेकर लामबंद हुआ मछुआरा समाज। प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत ने उठाई आवाज, पहले पुनर्वसन करो फिर बनाओ खाड़ी पर चौथा पुल। सामाजिक आघात परीक्षण के पहले ही एमएसआरडीसी बना रही ब्रिज। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।